अगला सवाल है राजेश का लखनऊ से। राजेश बताइए। हाँ नमस्कार सर। जी सर, 200 शेयर पर जो है राय चाहिए थी। एक तो जिलेट है मेरे पास 200-5600 के रेट पर, और एक बीएससी है 3000, यह है 560 रुपए के रेट पर। 560। जिलेट का क्या भाव है दोबारा तो एक बार। नहीं सर, जिलेट का है 5600 और बीएससी है 650 रुपए पर। अरे पहले आपने 550 का, आप 650 का। नहीं गलत निकल गया। ठीक ठीक तो पहले बताइए बीएससी 650 रुपये पे इन्होंने ले रखा है 3000 शेयर, क्या करना चाहिए? देखिए, फिर लगता है इसी मूव में खरीदा है और कहीं मे बी उसके पहले का होगा, तो इन्होंने तो नीचे में मेरे ख्याल से लेने के बाद भी भाव नीचे के देखे होंगे काफी। आई थिंक 450-400 तक भी जाके आया ऑलमोस्ट। देखिए, अब ये पुल बैक में तो वॉकआउट हो गया है, बट ये भी समझ में आ रहा है इस साल में कि भाई मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वार्टर इसका अच्छा बंद आ रहा है, तो इस क्वार्टर में तो बंद अच्छा आ रहा है ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने अभी आईआरसीटीसी के लिए बोला था कि मुझे लगता है वर्स्ट केस तो इसका कहीं 400-425 के आसपास वो कहीं इसका हो चुका है। अब खाली ये है कि इस पूरे मूव का रिट्रेसमेंट करेगा, तो 425-450 के करीब जो ये मूव आया है इसका एक रिट्रेसमेंट आएगा, और मुझे लगता है कि 540-550 तक ये फिसल सकता है, तो उतनी जगह तो यहाँ पे है। तो फिलहाल जो ट्रेड्स हैं उसमें बने रहे, बट ये मान के चले कि 540-550 पे अच्छे सपोर्ट से अगर वो टूटेगा तो फिर और वीकनेस आ सकती है, तो 540 के नीचे कहीं बीएससी में स्टॉप लॉस भी लगा के रखें। और जिलेट 5600 रुपए का। देखिए बहुत ज्यादा इसमें तो वॉल्यूम्स उतने ज्यादा होते नहीं है, 15-16 हजार शेयर या 7000-8000 शेयर के वॉल्यूम दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा इसको टेक्निकली कवरेज में नहीं रहते इतने थिनली ट्रेडेड स्टॉक, क्योंकि इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है कंपेरेटिवली। आई थिंक यहाँ पे फिलहाल तो जो शॉर्ट टर्म मुझे दिख रहा है, अभी तो अपने लॉन्गर टर्म एवरेज को जस्ट ब्रेक करके निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक 4600-4800 के आसपास ये जो इसकी रेंज रहेगी 4600-4800 के आसपास वो अच्छे सपोर्ट एरियाज बनेंगे। तो जब तक उसके ऊपर टिका है फिलहाल 15 से 20 दिन के लिए, 15-20 वर्किंग डेज, मुझे लगता है कि रुझान पॉजिटिव रह सकता है जिलेट का। हाँ 5600 पर लिया है, काफी ऊपर इनके भाव से, अभी तो काफी नीचे है। राजेश जी, इसमें ये पीएनजी की कंपनी हो गई है जी और ज्यादातर इसकी अच्छी खबरें डिस्काउंटेड। आप दाढ़ी रखाए हुए हैं, रोज शेविंग करते हैं? नहीं, शेव करते हैं पक्का, रोज करते हैं ना? यही वाला यूज करते हैं या जिलेट वाला? जी जिलेट का ही यूज करते हैं। हाँ, तो अब इसमें मतलब इसकी स्टडी करके देखिए आप, पिछले 10-15 साल का चार्ट देखिए ना, तो ऐसा लगता है कि ये पीक आउट जैसा है, मतलब इसमें कोई नया ट्रिगर अभी बन नहीं रहा है। आपने भाव भी बहुत ऊपर कर लिया है, तो एक बार देखिएगा ऊपर जाए तो एक बार इसमें निकलिएगा, री एंट्री करिए जब नीचे आए या कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चेंज हो। तो ये है आपकी जिलेट पर आए। अगला सवाल है SPS राठौर जयपुर राजस्थान से। राठौर साहब बताइए। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार। अपोलो माइक्रो सिस्टम है 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 34। ओके, आई एम इन्वेस्टर, कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ओके सरवन, अपोलो माइक्रो सिस्टम ये एक डिफेंस के लिए काम करने वाली कंपनी है। 34 रुपए इन्होंने लिया, 52 रुपए से प्राइस चल रहा है, इनको फायदा तो है क्या? आजकल डिफेंस में बहुत फैंसी है, रुकना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, फैंसी जब तक चलती हैं तो अच्छी रहती हैं, फिलहाल तो जिस तरह से चल रहा है आई थिंक जैसे मैंने बोला कंसेंसस में है। अब इन स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम यही है थोड़ी सी जो मुझे हमेशा रहती है कि जब ये सर्किटों में चलने लगते हैं, अब इसके लास्ट 10 दिन के बीच में तो मुझे दिख रहा है कि 3-4 दिन तो इसने अपर सर्किट लगा लिया है, और वो भी 5-5% के आई थिंक इसमें अपर सर्किट रहेंगे। तो आई थिंक ऐसे केस में उतना बढ़िया सेटअप पे जजमेंट लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब तरफ गैप 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 दिखते हैं। तो नो डाउट मोमेंटम में है, बट ऐसे स्टॉक्स में मैंने बोला ना, जब निकलने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि जब 5-5 नीचे के लगाने लगेगा तो आपको निकलने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इस खाली स्टॉक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एज अ सिग्नेचर, कभी जब सुबह में सर्किट नीचे का लग गया तो आपको फिर पूरे दिन निकलने को नहीं मिलता है। तो आई थिंक पहली बात तो मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा, इस पर मेरे पास कोई व्यू नहीं है, बट इस तरह के स्टॉक्स पे मेरा जजमेंट यही है कि जो सर्किट अप और सर्किट डाउन में चलते हैं उनमें काम करना बड़ा मुश्किल है हमारे जैसे टेक्निकल एनालिस्ट लोगों के लिए। हाँ, सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक जो है थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो इस जी पे ध्यान रखिएगा। वैसे प्रॉफिट में है अभी ये संजय जी, राठौर साहब, तो उस हिसाब से अपनी राय ले सकते हैं। अच्छा, संजय बरलिया जी हैं उड़ीसा से, उन्होंने एक सवाल लिखा है आपके लिए। जी वो ये जानना चाहते हैं कि कैमलिन फाइन साइंसेज 169 से ले रखा है, 4-7 जी और रखना चाहते हैं, क्या करेंगे? देखिए, फिलहाल तो
एक पुलबैक तो अच्छा इसने कर लिया है स्टॉक ने, अब फाइनली इसका बॉटम बन गया था पीछे की नहीं वो देखते हैं, बट फिलहाल एक कंजेशन जो चला इसका जो एक करेक्शन किया इसने पिछली रैली का, तो 120 से 180 जो चला है मोटा मोटी उसमें एक बढ़िया करेक्शन फिलहाल चल रहा है और मोस्टली मुझे लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि जब तक अपने लंबे दायरों के एवरेजेस के ऊपर कहीं टिका हुआ है जो कि तकरीबन 150 के आसपास है, तो आई थिंक 148 के स्टॉप लॉस से, 148-140 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस आई थिंक ट्रेड में है तो बने रहे, और ऊपर में मुझे लगता है कि 185-190 के टारगेट्स यहाँ पे नेक्स्ट 1 से 3 महीने में आ सकते हैं बनिस्पत की स्टॉप लॉस ना करें तो। ओके सरवन जी, SBI कार्ड पे आपकी राय क्या है? आज 2.5% नीचे है, 835 रुपये पे काम कर रहा है। देखिए बाजार के साथ जो मुझे मोटा मोटी यहाँ दिख रहा है अंडर परफॉर्मेंस में रही, अब जाके कहीं एक डबल बॉटम जैसा इसने जो बनाया लास्ट वो द लास्ट 12-18 महीनों में जिसने डबल बॉटम बनाया 675-680 के आसपास, आई थिंक वो डिसेंट है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली रैली का करेक्शन ही चल रहा है और नेक्स्ट लेग पॉसिबली ऊपर का ही इसमें आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो लेवल्स मुझे जो क्लियरली दिख रहे हैं सपोर्ट एरियाज वो तकरीबन 780-800 के रेंज में दिख रहे हैं, वहां पे अच्छे सपोर्ट रहे हैं पहले, तो आई थिंक अब 40 रुपये वहां से दूर है, मे बी 800 भी कर ले तो सरप्राइज नहीं होगा, बट आई थिंक 780 जब तक नहीं तोड़ता है तो अब रिस्क रिवॉर्ड इसके डे बाय डे बेहतर होते जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगली रैली में ये अपना पिछला हाई भी टेस्ट करेगा जो अभी इसने इस रैली में रखा है 930 के आसपास, तो आई थिंक 800 के आसपास लेने मिलता है तो 780 के नीचे स्टॉप लॉस, और पॉसिबली अगर किसी को ट्रेड करना है तो ऊपर में 880-900 के टारगेट्स रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ICICI सिक्योरिटीज पे क्या राय है आपकी? बहुत ज्यादा तो रेगुलर कवरेज में नहीं है नीरज वो जी, बट खबर है इसमें या आज डीलिस्टिंग की, स्टॉक 12% ऊपर है। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन और कॉर्पोरेट न्यूज वाली चीजों में जैसे आपने हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा अवॉइड ही करें, तो आई थिंक मैं यहाँ पे कोई राय नहीं देना चाहूंगा। हाँ नहीं, ठीक है, वो चूंकि न्यूज ड्रिवन है तो उसमें बने ही रहने का। मान लीजिए चार्ट पे कुछ दिखने लगे आजकल तो दिख सकता है कुछ भी। अगला सवाल है धैर्य लाल जी गुजरात से। धैर्य जी बताइए क्या सवाल है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास गोदावरी पावर के 110 शेयर है, 505 की 505 रुपये से, तो सर उसमें क्या करना चाहिए सर? गोदावरी पावर 505 मिली, अभी 475 चल रहा है, हाल फिलहाल का ये एक बहुत पुराना है। नहीं, हाल फिलहाल का ही है। हाँ क्या इरादा है ट्रेडिंग वाला, कितने दिन के लिए? इसको होल्ड रखने की है, 6 महीने तक है। क्या तो ट्रेडिंग नहीं हुआ ना फिर आगे, तो क्या फ्यूचर? 6 महीने अगर आप रखेंगे। नहीं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया है मैंने। अच्छा सरन जी, गोदावरी पावर एंड इस्पात इन्वेस्टमेंट के लिए लिया इन्होंने 505 में। देखिए ऑलमोस्ट बहुत ओवरबॉट कंडीशंस बाय कर लिए हैं, सेटअप अच्छे थे, वॉल्यूम्स पीछे अच्छे हुए, बट आई थिंक इनकी एंट्री बड़ी लेट है इसमें, तो वो चीज तो मैं इनको एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा। बाकी ब्लू स्काई टेरिटरी की तरफ को जाने की कोशिश कर रहा है, हाईस के आसपास भी गया था, निकालने की भी कोशिश की एक, आई थिंक इंट्राडे में अगर आप देखें तो एक माइनर हाई भी रख दिया इंट्रा इंट्राडे इंट्रा वीक में, और अब कहीं वहां से एक छोटा सा करेक्शन आ रहा है तो पॉसिबली इन्होंने वो टॉप ही बाय कर लिया है। इसकी ब्रॉड रेंज आप समझ लीजिए कि लास्ट 2-3 सालों में रही है 500 से लेके 250, सो 250 से 500 की रेंज में चलता है फिलहाल, अपर एंड पे है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक नए रिस्क रिवॉर्ड और नए समीकरण तो यहाँ पे नहीं मेरे हिसाब से निकलेंगे। तो जो करंट हाई अभी इसने रखा था वो था तकरीबन 513 के आसपास, तो आई थिंक 513 के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज चाहिए तभी आपको और कोई बड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड यहाँ निकलते हुए दिखेंगे। तो मेरा ही राय तो ये रहेगी कि देखें थोड़ा अलर्ट रहें और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 454 के नीचे, 454 पे क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस रखें, किसी कारण से वो कटता है तो निकलना पड़ेगा, ब्रेकआउट अगर हो गया तो फिर इनके पैसे बन जाएंगे, बट फिलहाल उसका कंफर्मेशन आया नहीं। ओके, तो ये स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।